गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत 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 खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। और है आज संडे का दिन है और देखिए संडे की शुरुआत तो हो चुकी हैगी बहुत प्यारी सी। और देखिए देखिए क्या क्या होता है। अभी तो सुबह मॉर्निंग ही हुई हैगी और मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ। यहाँ पे माफिया बड़ी धूप सेक रही है तो मैंने बोला कि चलो भाई मैं भी थोड़ा सा माफिया के साथ धूप सेक लेती हूँ और धूप खा लेती हूँ। पता है हमारे यहाँ पे ना बहुत से लोग ना ऐसे बोलते हैं कि भाई हम भी धूप खा लेते हैं, आ जाओ झूला खा लेते हैंगे। तो मेरे को बहुत हंसी आती थी कि भाई ये कैसे खाते हैंगे। और अच्छा लगता है कि जब बोलते हैं ना तो दिल्ली की भाषा है, बाहर वालों की भाषा में ऐसे टाइप से बोलते हैंगे तो मुझे भी भाई बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारे यहाँ से आपको ढोल की आवाज़ आ रही होगी। तो अभी है ना हमारे यहाँ से एक यात्रा निकली हैगी, कलश यात्रा। तो बस मैं भी वही देखने के लिए बस बाहर आई। तो मैंने लगा कि चलो बाहर आई हूँ तो आप लोगों से बात क्यों ना कर लूँ मैं। तो बस आप लोगों से बात करना तो बनता ही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ राज शिवानी सोनकर। वीडियो से मेरा वीडियो है राज शिवानी सोनकर और मैं आज आ रही हूँ रचना के यानी कि सोनी रियल ब्लॉग के वीडियो में। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों को भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी रचना के यूट्यूबर है, यूट्यूब फैमिली से है, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी फैमिली में मुझे भी अपना फ्रेंड बना लीजिए। तो मिलते हैं रचना से। तो यहाँ पर वंशु वंशु का कदा है। वंशु वंशु आ गया माफिया के साथ। माफिया मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरी प्यारी प्यारी माफिया है। माफिया ये तो क्या है बच्चा। कल से हमारे यहाँ पे ना भागवत चालू हो रही है 1 बजे से। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर मुझे जाने को मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है भागवत। मतलब भाग वालों को मिलती है भागवत सुनने, तो मेरे भाग में होगी तो ज़रूर मुझे भी मिलेगी सुनने को, मैं भी ज़रूर जाऊँगी। और आज मैं बैठी हूँ बाहर, ये हमारा बहुत बड़ा आग पेड़ है, बस उन्हीं की छाँव में बैठी हुई हूँ। और वहाँ पे मेरी माफिया खेल रही हैगी और बस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो मैंने कि चलो आज बैठती हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद नेल पॉलिश लगाई है क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ, मोनिका के यहाँ से ही लगाई थी मैंने। अच्छा लग रहा था शेड तो मैंने लगाया था, पर काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी कि अभी तक का नेल पॉलिश निकली नहीं हैगी, नहीं तो मेरी बहुत जल्दी निकल जाती काम करने में। पर इस बार अच्छी चल रही है, लॉन्ग टाइम चल रही है, मतलब आज तो भाई 3-4 दिन हो गया पर चल रही है। तो बोलूँगी भाई मुझे भी ला देना, बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए यहाँ पे बिल्ली है, इसने ना बच्चे दिए हुए। देखिए कितना सुंदर फुलाया है ना, पूजा करूँगी ना तो भगवान जी को चढ़ाऊँगी। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। अभी ना इधर का ये कल तक का खिल जाएगा और फिर हाथ लगा दिया। बोलते हैं ना कि हाथ लगाने से कली मुरझा जाती है, खिलती नहीं है, इसलिए। अब पता नहीं ये सच बात है कि अंधविश्वास है, क्योंकि भाई अंधविश्वास तो बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ देखो अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। अब क्या वो धीरे धीरे ना क्या अपन एक दूसरे से सुनते हैंगे ना तो फिर पता चल जाता है कि भाई क्या सच है और क्या नहीं है। और जो भी आता है का चलो मैं खाने की तैयारी करती हूँगी, काफ़ी टाइम बातचीत होती रही। धूप भी अच्छी तरीके से देख ली खाने के बाद। और ये देखो 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 ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये उसको कुछ भी चबाने को चाहिए भाई, कुछ भी दे दो सब चबा लेगी ये। बस मैं आ रही हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह तो सब क्लीन कर लिए हैंगे। नाश्ता बनाया था सुबह, फिर बर्तन वगैरह हो गए थे मेरे, बस अब खाना बनाना हैगा। बस ये आने वाले हैंगे फिर मैं खाना बनाती हूँगी। और आज तो संडे, तो संडे तो स्पेशल आपको पता ही है कि क्या होता है। तो बस रेडी करती हूँ खाना, अंदर खाना चढ़ाने की तैयारी कर ली हैगी। और है ना यहाँ पे मतलब कि ना घर में आओ ना तो ठंड सी लगने लग जाती है, बाहर धूप में इतना अच्छा लगता हैगा। तो बस बच्चे लोगों का यहाँ पे आराम से मोबाइल चला रहे हैंगे क्योंकि आज संडे है। तो भाई संडे को तो पढ़ाई करना बिल्कुल सख्त खिलाफ़ है ना, संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ाई करना हैगा, सोमवार से चालू होगी। और ये देखो सीमेंट की बोरी यहाँ पे रखी हुई है ना,
तो बस इनको है ना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, है ना वो बाहर का जो बाकी का एरिया है उसको कवर करना है, चूल्हा बनाना है, क्योंकि हर बार ना मैं ईंट के चूल्हे पे ही खाना बना लेती हूँ, पर इस बार इन्होंने सोचा कि भाई मैं चूल्हा बना दूंगा तो उस पर बना लेना, तो वो परमानेंट हो जाएगा कि हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे को हर साल एक न्यू चूल्हा बनाना रहता है और हर साल वो ख़राब हो जाता है मिट्टी का, तो इस बार ये बोल रहे हैं कि ना वो उसका बना देंगे सीमेंट का, तो वो परमानेंट ही हो जाएगा, फिर बारिश वारिश में ना ख़राब नहीं होगा। तो है ना यहाँ पे ना ये सीमेंट को यहाँ से मशीन हटाना पड़ी, अब बस मैं यही सोच रही हूँ कि सीमेंट का काम हो जाए ना ख़त्म तो ये भी हट जाए, बहुत परेशान करके रखा है ये माफिया ने, माफिया की बच्ची ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। देखिए फ्रेंड्स, गरम गरम रोटी के साथ चिकन मसालेदार चिकन कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है, खाने में खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है ना पिशो। वंशु भैया को देखो कैसे आनंद ले रहे हैं। बस 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 हाँ दीदी, मैंने यहाँ पे स्टेप कटिंग करवाई हैगी, तो मैं बस वही दिखा रही थी कि कैसी दिख रही है, आप बताना देख के आपको कैसी कैसी लग रही है। मैं यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे किरण दीदी से बात करते करते ही अपना वीडियो भी बना रही हूँ और दीदी से बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो है ना दीदी, मैंने स्टेप तो करवाया क्योंकि मेरे है ना बहुत सिल्की बाल है ना, तो इसके कारण से ना स्टेप पता ही नहीं चलता हैगा। थैंक यू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, माय न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है मुझे, थैंक यू सो मच।